सबसे पहले हम करते हैं हाउ टू मेक शॉर्टकट इन माया. गो टू विंडो पैनल, सेटिंग, हॉटकी एडिटर फॉर मेकिंग शॉर्टकट्स, विंडो पैनल, देन सेटिंग एंड हॉटकी एडिटर. हॉटकी एडिटर तो हॉटकी एडिटर से आप जो मर्जी शॉर्टकट बना सकते हो. आपको मान लो सबसे पहले बनानी अनग्रुप की शॉर्टकट. किस मेन्यू में? एडिट मेन्यू में. तो एडिट मेन्यू के अंदर अनग्रुप की शॉर्टकट बनाने के लिए हमें उसको पहले एड्रेस करना पड़ेगा कि कहाँ है वो. तो आप क्या करना, यहाँ पे चूज है कैटेगरी में, हमें मेन्यू आइटम चाहिए. मेन्यू आइटम में क्या? एडिट. ओपन करो एडिट, ये रहा अनग्रुप. इसके सामने कोई शॉर्टकट नहीं लिखी क्योंकि माया ने बना के नहीं दी, हम अपनी बना सकते हैं. मान लो मुझे बनानी है कंट्रोल शिफ्ट जी, तो कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस कर दिया, ठीक है. सेव पे क्लिक करके देखो, सेव हो गया. अगर वो किसी और की शॉर्टकट होगी ना तो आपको वार्निंग देगा कि ये किसी और की शॉर्टकट है. अगर आपको नहीं बनानी तो कुछ चेंज कर देना, और बनानी है तो सेव कर देना, ओवरराइट हो जाएगी. अब देखो सेव एंड क्लोज कर दो, जो पहले वाली हट जाएगी, आपने जिसकी बनाई उसकी आ जाएगी. मान लो मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूं और कंट्रोल शिफ्ट जी, अरे मैं शायद ग्रुप की बना दी. कंट्रोल जी हमें बनानी ग्रुप की. उसकी बनानी कंट्रोल शिफ्ट जी. सेव, ठीक है. अब मान लो मुझे इसको ग्रुप है और अनग्रुप करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करो, अनग्रुप हो गया, ठीक है. लाइक हमें बनानी क्यूब की शॉर्टकट. ये क्यूब बनाना है मुझे, बार बार यहां प्रेस करना पड़ रहा है, फिर क्लिक हो रहा है. तो क्यूब कहाँ मिलेगा? क्यूब हमें मिलता है क्रिएट मेन्यू में, पॉलीगन में क्यूब. अब इसकी शॉर्टकट बनाते हैं, विंडो, सेटिंग, हॉटकी एडिटर, मेन्यू आइटम, क्रिएट पैनल में, पॉलीगन पैनल में क्यूब. मान लो मुझे इसकी बनानी कंट्रोल सी, तो क्या कह रहा है? कंट्रोल सी ऑलरेडी कॉपी की शॉर्टकट है. मान लो बनाते हैं कंट्रोल शिफ्ट सी, ऑलरेडी क्रिएट कैमरा की है, तो कंट्रोल ऑल्ट सी ट्राई करना, कॉपी वर्टेक्स स्किन वेट. ये हमें यूज नहीं करनी है, ठीक है. मान लो हम यूज ही नहीं करते इसको अभी फिलहाल, तो आप सेव कर देना, ओवरराइट हो जाएगा. अब जब भी मैं कंट्रोल ऑल्ट सी करूंगा क्यूब बन जाएगा. कोई डाउट? तो हॉटकी एडिटर बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि आप जब अगर मॉडलिंग डिपार्टमेंट में हो तो आप अपने मॉडलिंग के टूल्स की शॉर्टकट बना लोगे. देन शॉर्टकट के बाद यूज होता है ये शेल्फ एडिटर. ये बने बनाए माया की शेल्फ है. आपको अपने नाम का नया शेल्फ बनाना है. कैसे बनाओगे? यहाँ क्लिक किया. अब नोट करो हाउ टू मेक शेल्फ्स इन माया. ठीक है, तो यहाँ पे न्यू शेल्फ पे क्लिक करो. आप अपने नाम से बना लो, कुछ भी नाम दे सकते हो, लाइक जैसे फैजा
मॉडलर, जैसे आप मॉडलर हो, आप अपने नाम से शेल्फ बना लो, सिंगल नेम स्पेस नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया शेल्फ आ गया, पर टूल्स नहीं है। जैसे पॉलीगन में टूल्स थे, आपको टूल्स डालने हैं। जैसे आपका फेवरेट टूल है, आप डेली यूज़ करते हो क्यूब, तो क्यूब वाला टूल मुझे डालना है। कैसे? प्रेस कंट्रोल शिफ्ट और क्यूब पे क्लिक कर दो, देखो आ गया यहाँ पे। फिर बता रहा हूँ, मान लो मुझे दूसरा टूल भी डालना है, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट एंड क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट एंड क्लिक से क्या हो रहा है, कोई भी टूल आप अपने शेल्फ में डाल सकते हो। पहले शेल्फ सेलेक्ट करना है, देन फिर क्लिक करना है कंट्रोल शिफ्ट। अब डेली यूज, जब आप पॉलीगन मॉडलिंग में आओगे, आप डेली यूज करोगे एक्सट्रूड, मान लो एक्सट्रूड डालना है, जिस शेल्फ में डालना है उस शेल्फ को सेलेक्ट करना, कंट्रोल शिफ्ट क्लिक, तो शेल्फ में आ जाएगा। तो आप लोग आज से अपना शेल्फ अलग बनाना, जो टूल यूज़ कर रहे हो वो डाल देना, ताकि बार बार आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि इसमें जाना है, अपना अलग करके रखो डेली यूज़ का। ग्रुप का डालते हैं, तो ग्रुप का आ गया, समझ आया? देन अब आपको व्यू चेंज करना है। जैसे अभी ये प्रस्पेक्टिव व्यू है, आपको फ्रंट व्यू में आना है। अब नोट करो हाउ टू चेंज व्यू। व्यू चेंज करने के लिए स्पेस प्रेस करे रखना है, छोड़ना नहीं है, स्पेस प्रेस करे रखो। तो इसको बोलते हैं हॉट बॉक्स। ये जो मेन्यू आ रहा है ना, ये जो ऊपर मेन्यू है, ये सारे यहाँ पे रिपीट आ रहे हैं। जैसे ऊपर को, ऊपर से आपको ग्रुप चाहिए, तो स्पेस बार प्रेस करे रखा, ये रहा एडिट, ये रहा ग्रुप, दोनों जगह रिपीट है। तो आप हॉट बॉक्स मेन्यू से यूज़ करो, चाहे ये मेन्यू से यूज़ करो, आपकी मर्जी है। तो हमें फिलहाल व्यू चेंज करना है, स्पेस बार प्रेस करे रखा, माया पे क्लिक कर दिया, टॉप व्यू में जाना है टॉप व्यू पे क्लिक करो, लेफ्ट व्यू में जाना है लेफ्ट व्यू पे क्लिक करो, फ्रंट पे फ्रंट पे, और पर्सपेक्टिव में वापस आना है पर्सपेक्टिव पे क्लिक करो। कैसे? स्पेस बार प्रेस करे रखा और माया को प्रेस करे रखा है। टोटल 7 व्यू होते हैं और एक नया कैमरा, आप अपने जितने मर्जी व्यू बना सकते हो। 7 व्यू डिफॉल्ट होते हैं, पर्सपेक्टिव व्यू, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये सारे व्यू 2D हैं और एक ये पर्सपेक्टिव व्यू 3D है। लेफ्ट व्यू में ओनली 2 एक्सिस दिखेंगे, तीसरा नहीं दिख रहा, 2D लग रहा है ना ये। तो ऐसे हम व्यू चेंज करते हैं। पॉलीगन में और भी टूल्स हैं, अगर आपको कोई मेन्यू बाहर निकालना है ना, तो उस मेन्यू के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना, मेन्यू बाहर आ जाएगा। कोई भी मेन्यू बाहर निकालना है, उसके डॉटेड लाइन ऊपर ऊपर वाले टॉप पे क्लिक कर दो। तो हमें फिलहाल देखना है पॉलीगन टूल, स्फीयर, स्फीयर का काम करेगा। आप इसके ऊपर कोई भी अर्थ का टेक्सचर चढ़ा सकते हो। नेट से क्या करते हैं, हम एक अर्थ का टेक्सचर निकाल लेते हैं, मान लो वो टेक्सचर हमें इसके ऊपर प्रोजेक्ट करना है, या इसका कोई भी कलर चेंज करना है। अब नोट करो हाउ टू चेंज ए कलर और टेक्सचर।
यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, जहां तक कराया अभी। देखो अब टेक्सचर कैसे चेंज करना है। सबसे पहले प्रेस राइट क्लिक, सबसे पहले प्रेस राइट क्लिक, लिखा आ रहा है असाइन फेवरेट मटेरियल, फेवरेट मटेरियल, क्लिक ऑन लैम्बर्ट। लैम्बर्ट से क्या होगा, आप नया मटेरियल ले सकते हो। ठीक है, अब नया लैम्बर्ट ले लिया तो देखो नया लैम्बर्ट अपने आप खुल गया। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो सिंपल यहां से कलर चेंज कर सकते हो। कलर चेंज हो गया, पर आप कलर नहीं, आप अपनी जेपीजी लेना चाहते हो, कोई टेक्सचर लेना चाहते हो, तो कलर वाले जगह पे नहीं, इस वाली जगह पे क्लिक करो। चेकर बना रहा है ये जेपीजी लेने के लिए, कोई भी जेपीजी ले सकते हो, इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, नोट किया यहां तक। लैम्बर्ट चढ़ाने के बाद क्लिक ऑन टेक्सचर और क्लिक ऑन चेकर, क्लिक ऑन चेकर, देन क्लिक ऑन फाइल, देन आपको ब्राउजिंग के लिए कह रहा है कि कोई भी जेपीजी यहां पे ब्राउज करो, तो वही वाली जो हमने अर्थ का टेक्सचर निकाला है उसे ब्राउज कर लो। अब इसके ऊपर टेक्सचर आ गया पर दिख नहीं रहा। 6:4 टेक्सचर व्यू होता है, 5 में नहीं दिखेगा, 6 पे दिखेगा। देखो 5:4 ग्रे व्यू, 6:4 6 प्रेस कर रहा हूं, 6 की होती है ना, 6 नंबर की फॉर टेक्सचर व्यू। देखो आपकी अर्थ एक बारी में बन गई। फोर है वायर फ्रेमिंग के लिए, 5 है ग्रे शेडिंग व्यू, शेड बोलते हैं इसको, नोट कर लो। 4 वायर फ्रेम, न्यूमेरिक 4 वायर फ्रेम, देन 5 शेड व्यू, 5 शेड व्यू, 6 टेक्सचर व्यू, 7 लाइट व्यू। आगे चल के लाइटिंग करोगे तो उसके लिए है, अभी 6 ही यूज करो। 6 भी अभी यूज नहीं करना क्योंकि टेक्सचरिंग बात में बात का हिस्सा है, फिर भी मैं आपको थोड़ा 3D और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे इसलिए मैंने पहले ही बता दिया टेक्सचर 6। अब मान लो ये तो सॉफ्टवेयर के अंदर है, आपको किसी को भेजना है इसको इमेज बना के, आपको इसकी इमेज बनानी है, तो फ्लैश से आप किसी इमेज को बनाते थे कंट्रोल एंटर करके। यहाँ पे कंट्रोल एंटर शॉर्टकट नहीं है, यहाँ पे आपको इसको हिट करना है, रेंडर बोलते हैं इसको, रेंडर। ठीक है, आपका रेंडर बाहर आ गया। अब यहाँ से आप सेव एज कर सकते हो लाइक जेपीजी, कुछ भी नाम दे दो, सेव फाइल में, सेव इमेज से आप सेव कर सकते हैं। अब देखो सॉफ्टवेयर, अब माया की जरूरत नहीं है क्योंकि वो रेंडर हो चुका है, इमेज है, जैसे मर्जी यूज करो उसको।
अगर आपको इसका कलर चेंज करना है रेंडर का, पीछे ब्लैक आ रहा है, देखो ये बात का है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, आप चेंज कर सकते हो। व्यू सेलेक्ट कैमरा, यहाँ पे व्यू सेलेक्ट कैमरा, इन्वायरमेंट में ब्लैक कलर के बदले जो रखोगे वही बैकग्राउंड में आएगा, तो ये आएगा रेंडर, सेव इमेज, जेपीजी टार का जो मर्जी, समझ आया? लाइक स्फीयर के बाद क्यूब है, इसमें सिलेंडर है, कौन प्लेन सिंपल फ्लोर बनाने के काम आएगा, टोरस लाइक कार का स्टेयरिंग बनाने के काम आएगा, प्रिज्म, पिरामिड, पाइप, हेलिक्स स्प्रिंग का काम आएगा, स्प्रिंग दिखाने कहीं पे आपको, शॉकर बॉल, सॉलिड। अब किसी भी चीज को एडिट करना है, मान लो आपने कुछ भी ड्रैग कर लिया, आपको एडिट करना पड़ रहा है, मान लो इसकी टर्न्स बढ़ानी पड़ रही है। अब नोट करो हाउ टू मॉडिफाई प्रिमिटिव्स, इन सबको प्रिमिटिव्स बोलते हैं, हाउ टू मॉडिफाई प्रिमिटिव्स। प्रिमिटिव्स बोलते हैं, तो यहां पे चैनल बॉक्स लिखा है, आप यहां पे क्लिक करके यहां से किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हो, इसे बोलते हैं इनपुट्स। कैसे? चैनल बॉक्स में आप यहां से स्वैप कर सकते हो, कभी भी चैनल बॉक्स में जाके आप यहां से एडिट कर सकते हो, इसकी कॉइल्स बढ़ाओगे तो इसकी टर्न्स बढ़ रही है, हाइट से हाइट बढ़ रही है, विड्थ से विड्थ बढ़ रही है, रेडियस। अब मान लो आपको सिलेंडर का एडिट करना है, तो सिलेंडर को भी एडिट कर सकते हो, हाइट बढ़ानी है, रेडियस कम करना है, साइड कम करोगे तो उसकी स्मूथनेस कम हो रही है, इसको सेगमेंट्स बोलते हैं। कोई डाउट यहां तक? तो क्या करो, आज इतना करो, नेक्स्ट सेशन में हम आगे बढ़े।